नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। इस समय हम खड़े हुए हैं श्रीमान फैशन पॉइंट पर, जो आज हम भैया का इंटरव्यू लेने आए हैं। आप देख सकते हैं ये मनीष रावत जी हैं, इनको उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल ने जिलाध्यक्ष का कार्यभार सौंपा है। हम इनसे चर्चा करते हैं। मनीष भाई नमस्कार। नमस्कार साहब। भाई साहब, आपको जो जिलाध्यक्ष का पद सौंपा गया है उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल द्वारा, तो आप व्यापारियों से क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो मैं चैनल्स के माध्यम से आदरणीय रवि भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद प्रेषित करता हूं। इसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, व्यापारी नेताओं की एक धुरी में आदरणीय संजय पटवारी जी ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, उस पद की दायित्व को संभालते हुए मैं समस्त झांसी और जिले के समस्त व्यापारियों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि संगठन में रहते हुए ना तो किसी विभाग के द्वारा किसी भी व्यापारी का हनन होगा, ये मेरा मानना है। भाई साहब, कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में आपने कैसे अपना जीवन यापन किया, कैसे मैनेज किया अपने जो कर्मचारी हैं दुकान के, और क्या संदेश देना चाहते हो अपने ग्राहकों को? कोरोना नामक वैश्विक जो वायरस फैला हुआ है, इससे काफी